बिहाव गीत नहीं गाते आजकल गांव देहात में हम, जबकि आप देखो क्षेत्रीय सिनेमा हो या बड़े। केंद्र सरकार अभी और अंग्रेजी में भी अभी, राजस्थान में भी अभी, उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश में भी अभी, लेकिन छत्तीसगढ़ी में नहीं। ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब यह कच्चा उम्र अब गुहारना, अपन बात रखना, फरियाद करना, फरियादना अपन पक्ष का रखना, और ये बहुत बड़े काम है। चार पांच भाषा अब होकर छत्तीसगढ़ी माँ अनुवाद, बहुत बड़े काम, बहुत बहुत उचित व्यवहार, निष्कपट व्यवहार, उत्तर प्रदेश में भी है उचित व्यवहार और साथ ही न्याय व्यवहार, बिहार में निष्पक्ष व्यवहार का प्रयोग करती है, राजस्थान अधिशेष देसी, उत्तर प्रदेश अधिशेष बचत, बिहार अधिशेष बचत, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी में अब कहा ज्यादा बचत, आदर अपरहा अवमान आगमन बोलते उपरहा, अनुपस्थिति और गैर हाजिर, ये शब्द है और छत्तीसगढ़ी में कहे जाते हैं निचोड़ या शैक्षणिक पढ़ाई लिखाई के विषय छत्तीसगढ़ यही मीनिंग लेती है, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी दिखाएंगे इसको। दादी जी ने कहा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ढान ले, जिला मुख्यालय मनमा छत्तीसगढ़ ही राजकाज कैसे करे जाए, एकर सती प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलत है, वो कड़ी में आज जिला मुख्यालय राजनांद गांव में यहाँ के जम्मो अधिकारी कर्मचारी मन ला प्रशिक्षित करे जाते हैं। एकर प्रशिक्षक है महाविद्यालय दिग्विजय महाविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बी एन जागृत मैडम जी और राजभाषा आयोग के सबो अधिकारी कर्मचारी मन, साथ में हमार जिला समन्वयक आत्माराम कोसा जी भी है। आयोजन के उद्देश्य ये है कि राज बन गए, राजभाषा भी हमार 14-15 साल हो गए, अब हमला राजकाज कैसे करे जाए, तो एक तरह से हमन एक मटेरियल बनाए हन, सामग्री बनाए हन, और उमा विभिन्न तरह के जैसे आवेदन कैसे किया जाए, नोट शीट कैसे लिखा जाए, अर्जित अवकाश कैसे होए, है ना, आदेश कैसे निकाला जाए, तो एकर एक फॉर्मेट है जन छत्तीसगढ़ी में है, ओला हमन उपलब्ध करा थन, साथ में ओला ये बता थन कि ए दिशा में छत्तीसगढ़ी में कामकाज किए जा सकते, और ये हुआ भी है, हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ी में फैसला हो गए हैं, थाना मन में रिपोर्ट भी लिखा थे, बैनामा भी लिखा है रजिस्ट्री में, तो शुरुआत करे बस के देरी है, आयोग गठित हो है और ओला हम जितका कर्मचारी अधिकारी है या आम जनता है वो आवेदन एप्लीकेशन उमा दे सकते, ये विधानसभा में पास भी हो है ना जी। डॉक्टर अनिल कुमार भतपहरी, सचिव छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जी। हमारे जिला में राजभाषा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ी में राजकाज करे बर प्रशिक्षण दिया जाते है, प्रशिक्षण से अच्छा लगत है और हमन सोचत हन कि प्रशिक्षण के बाद धीरे से अपन के जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा में काम काज के कुछ प्रयोग शुरू करबो, और आज बताया गई से कि भाई अपन के छुट्टी उट्टी के आवेदन ला छत्तीसगढ़ी में दो ऐसे करके, तो प्रयास करबो कि अब छत्तीसगढ़ी के उपयोग बढ़े और एकर से हमारे अधिकारी कर्मचारी मन के मन में भी जो झिझक है वो झिझक भी खत्म हो ही, एक आत्मविश्वास भी आई, उम्मीद है कि राजभाषा आयोग द्वारा इसने तो ही आने वाले साल में भी प्रशिक्षण दी और धीरे धीरे इला प्रशासन के मुख्य भाषा के तौर पर विकसित किए जाए।